हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन और एक बार फिर अल्फा बेवरेजेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये हमारी कंपनी की 4+2 सॉप मॉडल सोडा मशीन है। अगर आप भी सॉप मॉडल सोडा मशीन यूज़ करते हो, कोई भी सोडा मशीन है, 10+2, 8+2, कोई भी सॉप मॉडल आप सोडा मशीन यूज़ करते हैं, ठीक है, और अचानक से आपके मशीन के अंदर ये जो सोडा वाले वाल रहते हैं वो काम करना बंद कर देते, ऑटोमेटिक सब वाल ऑफ हो जाते, तो वो क्यों प्रॉब्लम होती है और उसको आपको 5 मिनट के अंदर कैसे सोल्व करना है, वो हम आपको सारी जानकारी बताएंगे। तो शुरू से लेकर आखिरी तक हमारा वीडियो देखें ताकि हम आपको अच्छे से जानकारी दे पाए और आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल रहे, ठीक है। तो अगर आपके मशीन के अंदर अचानक से ये सारे वाल ऑफ हो जाते हैं तो उसको 10 मिनट के अंदर रिपेयर कैसे करना है वो आपको बताएंगे। सबसे पहले आपका जो मशीन रहता है उसको आपको अनप्लग कर देने का है, जहाँ पर बिजली में उसका प्लग लगाया हुआ है उसको आपको निकाल के मशीन को ऑफ कर देने का है सबसे पहले, ठीक है। फिर इसका ये जो कवर रहता है मशीन का, वो कवर को आपको निकाल देने का है सबसे पहले। इसके अंदर यहाँ पे सर्किट बोर्ड आता है, ये इसका सर्किट बोर्ड है। इसके अंदर इसके मशीन के सारे जंक्शन रहते हैं, यहाँ पे 2 स्क्रू हमने दिए हुए हैं, ठीक है। हमारी मशीन के अंदर यहाँ पे हम पीछे सर्किट बोर्ड फिट करते हैं, ठीक है। आपकी मशीन के अंदर भी कहीं पर भी ये साइड फिट किया हुआ होगा या फिर ये साइड फिट किया होगा, ठीक है। ये सर्किट बोर्ड सब मशीन में रहता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये 2 स्क्रू रहते हैं इसको निकाल के आपको ये सर्किट बोर्ड को ओपन कर देना है। ये सर्किट बोर्ड को ओपन करने के बाद ये यहाँ पे इसका ट्रांसफॉर्मर रहता है, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मर अगर आपका ख़राब हो जाता है या फिर जल जाता है, ऊपर से बिजली का पावर बढ़ जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होते हैं। तो सबसे पहले कस्टमर को हम ये सजेशन देते हैं कि आपका जो बिजली है उसके अंदर आप स्टेबिलाइज़र यूज़ कीजिए। स्टेबिलाइज़र से क्या होगा कि आपके मशीन की लाइफ बढ़ जाएगी, कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होगी ऊपर से पावर ज़्यादा आने की वजह से, ठीक है। तो ये आपको ये जो इसका ट्रांसफॉर्मर रहता है वो निकाल के जैसे इसके अंदर जो वायर दिए वैसे सेम टू सेम वायर नया ट्रांसफॉर्मर लेके आपको लगा देना है, ठीक है। ये नया ट्रांसफॉर्मर आप लगा दोगे तो आपका यह मशीन ओके हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। आपको जो वाल ख़राब हुए बंद हो गए हैं वो वापस से स्टार्ट हो जाएंगे सब के सब वाल, ठीक है। ये जो इसका ट्रांसफॉर्मर है वो आपको कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो कोई भी इलेक्ट्रिक शॉप है, इलेक्ट्रिक शॉप में जाके 24 वोल्ट का आपको ट्रांसफॉर्मर लेना है, ठीक है। 24 वोल्ट 3 एम्पियर का आपको ट्रांसफॉर्मर लेना है मार्केट से जाके, और यहाँ पे आपको इसको फिटिंग कर देने का है। हमने जैसे आपको बताया वैसे आपको सेम टू सेम फिट कर देना है, तो आपके जो मशीन के जो वाल बंद हुए हैं वो आपके वाल ऑन हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा, वो हमने आपको जो जानकारी दी है वो जानकारी आपको अच्छी लगी, वो हेल्पफुल रही हमारी जानकारी, तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि हमारे नए नए आने वाले वीडियो आप देख सके जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते, ठीक है। तो आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सोडा मशीन, सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन, कॉटन कैंडी मशीन, शुगर कैन जूस मशीन वगैरह बहुत सारी हमारे पास प्रोडक्ट है वो आप ख़रीदना चाहते हो तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9265471717 9898854080। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। आप सोडा मशीन की जानकारी, शुगर कैन जूस मशीन की जानकारी, सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन की जानकारी, बहुत सारी हमारी प्रोडक्ट है, कोई भी चीज़ आपको ख़रीदनी हो यह नंबर पर आप कॉल करके हमारे से जानकारी ले सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।